السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سامعين الكرام، صدر ذي وقار، محترم حاضرين، आज मुझे जिस उन्वान पर इजहार ख्याल करना है वह है हम तो शर्मिंदा है इस दौर के हिंसा होकर। सामईन इकराम, आज का उन्वान महज एक तकरीर का मौजू नहीं या अल्फाज के असाने का एक बहाना नहीं बल्कि यह ऐसी तरफ हकीकत है जिसने जमाने भर को दुख और रंजो व आराम की तरीफ के सामने ला खड़ा किया है। बेरोजगारी, बेहाली, परेशानियों के आग इस किसा मसाइल से भरपूर आदेहार जवाल इंसानियत का नौहान पढ़ता हुआ मुस्तकबिल ऐसे दौरे पूरा आशिक में हर साहिब नजर चीख फूटता है या चीख कभी सीने में घुटते और आलम रोजगार के बोझ तले झुकती है बिला आखिर हमारा से बुलंद होकर अपना ऐलान करते नजर आती है। लब्बे पाबंदी तो है एहसास पे पहरा तो है फिर भी अहले दिल को अहवाल बशर कहना तो है झूठ क्यों बोले फरुख के मसलहत के नाम पर जिंदगी प्यारी सही लेकिन हमें मरना तो है। सामीन अदा और जमाने अपना सफर जारी रखते हैं कुछ अदवार इतने खुशबक्त होते हैं कि चांदनी बोए तो सितारे उठते हैं मिट्टी को छूलो तो सोने का रूप धार लेती है मगर आज के इंसान पर तो दौर नसीब हुआ है फकत और जिंदगी बेबंदगी शादी से बात है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ तो है मगर रोजगार नहीं मस्जिदें और इबादतगाहें तो है मगर जमीन सर झुकने का कदर से महरूम है जिसे रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ काबा तू मुझसे बहुत प्यारा है मगर एक इंसान का लहू तुझसे भी ज्यादा प्यारा है उसे रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही बताए उसके क्याम और सलामती की खैरात तकसीम करते वाकया के आदाय कार बनकर खुद को शामलों से जिंदा शहरों को रास्ते के ढेर बना रहे हैं। सच्चाई और सदाकत ने मसलहत और व्यापारी का लिबादा मोड़ लिया है यह हयाई का वह सैलाब जो कभी यूरोप की गलियों तक महदूद था अब हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है मुझे कहने की इजाजत दीजिए जिसने कुछ इंसान की तौकीर के अहकाम थे और शरीयत माकदों के जेर साया सो गई आ गए बाजार में बिकने खुदा की असमतें जी उठी है ख्वाहिशें और मर गया है आदमी। मोहतरम हाजरीन अलमिया तो यह है कि इस दौर जिल्लत और खोरी को साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पर आला तरीन दौर कहने वाले आंखें दलिश्वर भी मिल जाते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ की अपनी जगह मगर असल दुख तो यह है कि इंसानियत अपनी मरकजों में होश से भटक चुकी है। जनाब वाला कियामत को कियामत तो कहो गए कि मगरिब वालों ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ डाल दिया आका या आल मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर नुमाइश की जा रही है कुरान पर मन की फिल्म बन चुकी है सरेआम इस्लाम को रुसवा किया जा रहा है यह मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजबूत तले रोक दिया गया है मगर हम फिर भी एक नहीं होते एक हसर सा बरपा है हर सिमत कियामत है एक हसर सा बरपा है हर सिमत कियामत है अब जीने से मौत अच्छी जीना भी तो जिल्लत है। हजरत गिरामी मैं आलम बेवसी में खाली के कोनैन से एक बताए नाफिस की सूरत सवाल करती हूँ ऐ हमें पैदा करने वाले क्या हमारे मुकद्दर में ही दौर जिल्लत और खौरी था ऐसा अंधेरा है कि हम रोशनी का ख्वाब भी नहीं देख सकते देखते ही देखते खाने की चीजें इंसान से रुक गए अमराज ने हमें मौत के रहम करम पर छोड़ दिया इल्म का बड़ा शोहरा है मगर दिल बेसुरूर है चारों तरफ बिजली की रोशनी है मगर आंखें बेनूर है और अब तो बिजली भी ख्वाब बन गई जाहिर और बातिन दोनों अंधेरे में डूब गए शैतान मुस्कुरा रहा है मगर इंसानियत फरियाद करा है शराफत को कमजोरी इज्जत को मजबूरी और गैरत को खामोशी का नाम दे दिया गया ऐ इल्म और हिकमत के डिग्री अदनों के हिसाब से तकसीम करने वालों फला मेरे दौर के आसमत लगा दो अल्लामा इकबाल तो मुद्दत पहले कह गए थे ऐ इल्म ऐ हिकमत ऐ तदब्बुर ऐ हुकूमत पीते हैं लहू देते हैं तालीम मसावात कब डूबेगा सरमाया दोस्ती का सफीना दुनिया है तेरी मुंतजर रोजे मकाफात ऐ खालिक अर्जो समा हम तेरे भिखारी है हमें इस अहदनामा पुस्तक की बेबसी बेहसी और जिल्लत खोरी के सुमन कथे से निकाल दे हमें वही उजाले फिर बख्श दे जिससे जिंदगी की खुशियाँ और खुशहालियाँ लौट आए पेट को भूख और जिंदगी को शर्मिंदगी से नजात दे दे वरना जब मजबूरी और जिल्लत खोरी मुकद्दर बन जाए जब रिस्क मुनासबात कारोबार और गाँव का जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए तो हालात के बेबसी की
की कौन से इंकलाब जन्म लेता है। मैं इसके तरह इस पैगाम के साथ आपसे इजाजत दी हूँ। आओ के कोई ख्वाब बने कल के वास्ते, वरना ये रात आपके संगीन गौर की दस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे के जानो दिल का उम्र फिर न कोई हंसी ख्वाब बन सके। अस्सलाम वालेकुम।